अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक लेस डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ये एंकर का कॉटन थ्रेड लिया है। फास्ट कलर 00131 इसका कोड है। ये आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर मिल जाएगा। 7 नंबर 0.95 mm की हमने यहाँ पर नीडल ली है और ये छोटी साइज़ के बीड्स है। ये आपको लोकल मार्केट में ईजीली मिल जाएंगे। इसे मैंने धागे में नहीं डाला है, आप इसे धागे में डालकर भी डिज़ाइन बना सकते हैं या डायरेक्टली भी आप इसे बना सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इसे बनाएंगे और धागे में मोती कैसे डालना है इस पर फुल ट्यूटोरियल मैंने शेयर की हूँ, वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरीके से स्लिप नट लेने के बाद कॉर्नर पर हमने पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाकर 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन लेकर थोड़े गैप पर, जैसे हम बेस लाइन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर 5 चैन सिंगल क्रोशो वाली बेस लाइन बना लेनी है। फिर हम 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 चैन लेकर थोड़े गैप पर, ध्यान रहे गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना लेस में खिंचाव सा आएगा, और इस तरीके से हम पूरी बेस लाइन रेडी कर लेंगे। ये बेस लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एंड में मैंने यहाँ धागा सिर्फ कट कर देना है आपने, और नीडल बाहर निकाल कर 1 चैन आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं और ऐसे खींच कर यहाँ लॉक कर लेंगे। बैक साइड से आपने धागे को अंदर की तरफ ले लेना है। अब फिर हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद ये जो सिंगल क्रोशो है, ये जो फर्स्ट गैप है हमारा, डायरेक्टली उसी में से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होंगी। गैप में हमें सिंगल क्रोशो बना लेना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 सिंगल क्रोशो बनाने के बाद यहाँ पर आपने धागे को इस तरीके से बाहर निकाल कर यहाँ होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद आपने एक मोती लेनी है। सिंगल मोती में आपने इस तरीके से नीडल डालनी है और नीडल में धागे को ऐसे पकड़ लेना है। अब यहाँ से हम इसे धागे में ले लेंगे अंदर की तरफ मोती, और फिर इसे लॉक कर लेंगे। अगेन गैप में हम 5 टाइम सिंगल क्रोशो लेंगे। अगर आप स्टार्ट में आपने 4 टाइम सिंगल क्रोशो लिया है, तो मोती के लगाने के बाद भी आपने 4 टाइम्स लेना है, और 5 टाइम अगर आपने लिया है तो 5 टाइम ही सिंगल क्रोशो आपने लेना है, 3 4 5 इस तरीके से। और अब ये कंप्लीट होने के बाद आपने, अगर आपको गैप रखना है तो आप गैप रख सकते हैं, और बिना गैप रखे भी आप ये डिज़ाइन कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। अब नेक्स्ट गैप में भी अगेन आपने पहले 5 टाइम सिंगल क्रोशो बना लेना है। एक्चुअली ये धागा बहुत ज़्यादा पतला है, जिस वजह से हैबिट में नहीं है हमारे, इसलिए हाथ में से खुल जाता है, 3 4 5 इस तरीके से। बट जो ये ऐसे पतले धागे होते हैं ना, इससे जो हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसका लुक बहुत प्यारा आता है। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि डिज़ाइन दुपट्टे के या ड्रेस के दामन के डिज़ाइन पर आप इस तरीके से कॉटन के पतले धागे ले सकते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर नीडल में धागे को अटका कर मोती को इसमें से पास कर लेना है। दैट्स इट, यहाँ पर मोती को लॉक कर लेंगे, एंड फिर गैप में
फाइव टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, ये ऐसे अगेन इस गैप में पहले फाइव टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, फिर हम एक मोती पास करेंगे। मोती को लॉक कर लेंगे। और फिर फाइव टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ऐसे ही आपने ये डिज़ाइन कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। बहुत ही सोबर और सिंपल सी ये डिज़ाइन है। बहुत प्यारा लुक आता है इसका बनने के बाद। पूरा जब रेडी हो जाएगा तो इसका लुक बहुत प्यारा लगेगा। अब मैं थोड़ी और इसकी लेंथ बनाकर आपको फाइनल लुक बताती हूँ। सो गाइज, ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। जितनी आपको लेंथ बनानी है आप ऐसे ही बनाते जाओगे। एंड करते वक्त सिंपली आपने वन चैन लेनी है, धागा कट करना है और लॉक करके बैक साइड में धागे को अटैच कर लेना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।